झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अंकिता हत्याकांड, दुमका पहुंचेंगे बीजेपी के कई सांसद, 1 करोड़ जुटाने की योजना। दुमका की बेटी अंकिता सिंह को न्याय दिलाने की लड़ाई में 31 अगस्त को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा दुमका आएंगे। बता दें 31 को दिल्ली की फ्लाइट से देवघर एयरपोर्ट लैंड करने के बाद तीनों भाजपा नेता दुमका के लिए रवाना हो जाएंगे। सांसद डॉक्टर निशिकांत ने दुमका के डीएसपी नूर मुस्तफा को लेकर हेमंत सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सांसद ने आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार के पास 48 घंटे का वक्त है। वहीं दुमका की बेटी अंकिता हत्याकांड को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। भाजपा सांसद ने पुलिस अधिकारी नूर मुस्तफा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि 48 घंटे का वक्त है, झारखंड सरकार को नूर मुस्तफा जैसे भ्रष्टाचार पुलिस पदाधिकारी संबंधित थाने पर कार्रवाई करने के लिए, इसके बाद मैं खुद सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के साथ दुमका पहुंचूंगा। झारखंड में सुखाड़ की घोषणा अगले सप्ताह। झारखंड में सुखाड़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। मानसून से उम्मीद जितनी थी उतनी वर्षा नहीं हो पाने के बाद पूरे राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में 46% खरीफ की फसल कम हुई है। धान की बिचड़ा 75% से कम होने के बाद कृषि विभाग ने 243 प्रखंडों के सूखाग्रस्त होने की रिपोर्ट आपदा प्रबंधन को भेज दी है। इसके बाद अब अगले सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा हो सकती है। बता दें सुखाड़ नियमावली 2016 के अनुसार प्रारंभिक मौसम से ही सुखाड़ की घोषणा करने का प्रावधान है। अगस्त माह तक इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के आने के बाद एक सप्ताह के अंदर सुखाड़ की घोषणा की जा सकती है, जिसके बाद किसानों के राहत कार्य आगे बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ जाएंगे हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री व विधायक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता से जुड़े मामले के बाद उत्पन्न राजनीतिक हालात के बीच झारखंड के सत्तारूढ़ दलों के विधायकों को रायपुर ले जाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को छत्तीसगढ़ ले जाया जाएगा। इन्हें छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए इंडिगो की 72 सीटर फ्लाइट ATR 72 बुक कराई गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर के मेफेयर गोल्फ रिसोर्ट में 2 दिन के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी पर स्पीकर अदालत में सुनवाई। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म किए जाने की खबरों के बीच प्रदेश में राजनीतिक साह मात का खेल शुरू हो गया है। खनन पट्टा मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता खत्म किए जाने की चर्चा है, तो वहीं दल बदल मामले में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा के नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सदस्यता पर भी सुनवाई चल रही है। महागठबंधन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने की खबरों के बीच झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दायर दल बदल संबंधी याचिका पर सोमवार को लंबी सुनवाई की। सभी पक्षों को सुनने के बाद स्पीकर ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अंकिता हत्याकांड का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड की उपराजधानी दुमका में हुई अंकिता हत्याकांड का झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक और दुमका SP को निर्देश दिया है कि तत्काल अंकिता के परिजन को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अनुसंधान कर इस मामले में चार्जशीट दाखिल करे। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट पर इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि यह घटना अमानवीय है, प्रशासन को ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी स्कूल के बच्चों की पोशाक राशि बढ़ेगी। राज्य के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पोशाक की राशि बढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। राज्य में फिलहाल बच्चों को पोशाक के लिए 660 रुपये दिए जाते हैं। इसमें 2 सेट पोशाक के अलावा जूता, मोजा और स्वेटर की राशि भी शामिल है।
बता दें शिक्षा मंत्री ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों को दी जाने वाली पोशाक की राशि कम है, इसमें 2 सेट पोशाक नहीं खरीदे जा सकते, ऐसे में पोशाक की राशि बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने बैठक में पूछा है कि क्या इस राशि में विभाग के द्वारा 2 सेट पोशाक उपलब्ध कराया जाना संभव है। रांची में दुर्गा पूजा बाद सड़क किनारे नहीं लगेगी दुकानें। शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है। इसके तहत शहर की सड़कों के किनारे अब अस्थायी दुकानें नहीं लगेगी, ऐसे ही दुकानें लगाई जा सकेगी जो चलंत हो, यह ठेला या वैन हो सकती है, यानी जब दुकान लगानी हो उसे घर से धकेल कर या चला कर सड़क पर लाया जाए, जब समय समाप्त हो तो उसे घर ले जाया जाए। 2 दुकानें चलंत नहीं होगी, उन्हें अतिक्रमण मानकर नगर निगम हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा, साथ ही ऐसी दुकान लगाने वालों से जुर्माना भी वसूला जाएगा। झारखंड में डेंगू की चपेट में आए 94 लोग। राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग ने बताया है कि इस वर्ष 2022 जनवरी से जुलाई तक में डेंगू की चपेट में 94 लोग आए हैं। अब तक राज्य में 674 संदिग्ध डेंगू पीड़ित लोगों के सैंपल की जांच हुई, इसमें 94 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सबसे ज़्यादा रांची में 354 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 52 डेंगू संक्रमित मिले। यह भी बताया गया है कि वर्ष 2021 में करीब 1200 सैंपल की जांच की गई थी, जिसमें 220 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए थे। वर्तमान में एक भी डेंगू से पीड़ित मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं है। सितंबर से होगा झारखंड चैम्बर चुनाव। झारखंड चैम्बर चुनाव 10 और 11 सितंबर को होगा। चुनाव में नए सदस्यों की भागीदारी देखी जा रही है। सोमवार को टीम पहली से सीएस विनोद कुमार बख्शी, संजय कुमार सिंह, सुनील अग्रवाल और राजीव कुमार वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। वहीं शेष उम्मीदवार मंगलवार को शैलेंद्र कुमार सुमन के साथ नामांकन करेंगे। वहीं अब तक कुल 26 नामांकन पत्र चैम्बर तक पहुँचे हैं। मंगलवार को शाम 4 बजे तक नामांकन जमा कर सकते हैं। राज्य की सरकारों को गिराने और बनाने में जुटी है केंद्र। मुख्यमंत्री, जिस देश के आधे राज्यों में केंद्र सरकार सिर्फ सरकार गिराने और बचाने का काम कर रही है, उसका भविष्य क्या हो सकता है, यह बात सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को कही। वह सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय पहुँचने पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। विधायकी को लेकर कायम की असमंजस की स्थिति पर उन्होंने कहा है कि आप लोग राज्यपाल से ही पूछे तो बेहतर होगा। श्री सुरेन ने आगे कहा है कि आज सरकार बनाओ, सरकार तोड़ो, विधायक खरीदो और विधायक बेचो का काम चल रहा है, आखिर व्यापारियों का और दूसरा काम क्या होता है। गणेश पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। गणेश महोत्सव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। सोमवार को उपायुक्त तथा SSP ने पूजा को लेकर संयुक्त आदेश जारी किया। इसमें कदमा गणेश पूजा मैदान में आयोजित होने वाले श्री बाला गणपति विलास के गणेश महोत्सव मेला के अलावा अन्य इलाकों में होने वाली आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इसमें पंडाल में उमड़ने वाली भीड़ में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने को कहा गया है। अनहेल्दी फूड से बच्चों में बढ़ रहा मोटापा। नौनिहालों का बचपन मोटापे का शिकार हो रहा है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के सर्वे के मुताबिक बच्चों को हाई प्रोटीन डाइट न मिलने के कारण वे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। सर्वे में 4 साल से अधिक उम्र के करीब 45% बच्चे जहाँ अंडरवेट पाए गए हैं, वहीं स्कूल जाने वाले 79% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। इससे बच्चों के आंखों की क्षमता, उनकी याददाश्त बुरी तरह से प्रभावित होती जा रही है। इसे रोकने के लिए शहर के प्राइवेट स्कूल में समय समय पर बच्चों के खान पान की आदत में सुधार के प्रति जहां जागरूकता किया जा रहा है, वहीं बच्चों के टिफिन की रैंडम जाँच भी की जा रही है। अंकिता मामले में अरविंद केजरीवाल बोले हत्यारों को मिले कड़ी सजा। झारखंड के दुमका में छात्रा अंकिता सिंह की जलाकर हत्या मामले में इंसाफ की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मृतका और उनके परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने कहा है कि छात्रा अंकिता सिंह के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने घटना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि इस तरह के जघन्य अपराध को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा।
उन्होंने मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। झारखंड में 2863 स्कूलों में 25 से भी कम बच्चे। झारखंड में 2863 स्कूल ऐसे हैं जहां 25 से भी कम संख्या में बच्चे नामांकित हैं, इनमें 32 हाई स्कूल भी शामिल है। चिंताजनक बात तो यह है कि एक दर्जन ऐसे स्कूल भी हैं जहां एक भी बच्चा का नामांकन नहीं हुआ है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आने के बाद स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिलों से ऐसे स्कूलों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है कि इन स्कूलों में इतनी कम संख्या में बच्चों का नामांकन क्यों हुआ। साथ ही उन्होंने अभियान चलाकर नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों की जवाबदेही तय करने को कहा है। गोड्डा में मां दुर्गा की तोड़ी प्रतिमा। असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया है। बता दें, मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ने का ये मामला झारखंड के गोड्डा से है, जहां सोमवार की देर रात ये घटना हुई है। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में रखे मां दुर्गा की मार्बल की प्रतिमा को खंडित किया है। मंगलवार की सुबह जब स्थानीय लोगों को सूचना मिली तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन को यह सूचना दी है और प्रशासन तमाम बिंदुओं पर जांच कर रही है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।